आजमगढ़ में सपा के नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुलाब राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। का ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी नेता है। जिला मुख्यालय के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुलाब राजभर व सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सोमनाथ राजभर का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। सुभाष पाचोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नवनियुक्त पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुलाब राजभर ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी नेता हैं। उनको न राजभर समाज से मतलब है और न ही किसी से मतलब है। वह अपने बेटे व खुद के भविष्य के लिए राजभर समाज को गिरवी रखकर कहीं भी जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर को हमेशा सत्ता का लोभ है। जहाँ उनको मंत्रिमंडल मिल सकता है वो वहीं रहेंगे। बीजेपी ने पिछले चुनाव में झूठ का पुलिंदा बांध दिया कि लोग बहकावे में आ गए, लेकिन आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रदेश सचिव सोमनाथ राजभर ने कहा कि भाजपा पिछड़ों को हमेशा वोट के समय में इस्तेमाल कर कार्य स्वर्णों का करती है। आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। समाज के नेता बिकऊ माल हो गए हैं। सपाई इनके सम्मान की लड़ाई लड़ती है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, राजनारायण यादव, प्रवक्ता अशोक कुमार यादव, अजीत कुमार राव, प्रदीप यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, अरविंद सरोज, संतोष कुमार गौतम, दुर्गा राजभर, नीरज राजभर, गोपाल राजभर, श्याम अचल राजभर, रोहित यादव, राजेश यादव सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, मेरा नाम गुलाब राजभर है और मैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नामित हुआ हूँ आजमगढ़ का। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। मैं अपने ज़िले के सभी विधायक, पूर्व विधायक, आदरणीय अपने जिला अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं, जो आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि हम लोग इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का काम करेंगे और आने वाले समय में 2024 में अपना पिछड़ा वर्ग का संगठन इतना मजबूती से खड़ा करके दिखाएंगे। हमारा पिछड़ा वर्ग संगठन कभी पीछे रहने का काम नहीं करेगा, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक अवसरवादी नेता है। उनको न राजभर समाज से मतलब है न किसी से मतलब है। उनको अपने बच्चे का भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए राजभर समाज को गिरवी रखकर वो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, उनको हमेशा सत्ता का लोभ है। वो जहाँ उनको सत्ता का लोभ मिलेगा, जहाँ मंत्रिमंडल मिल सकता है, जहाँ उनको अवसर मिल सकता है, वहाँ रहेंगे। दलित पिछड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहा है, ये के साथ कोई बैठी नहीं है, तो कैसे देखते हैं आप, कैसे 2024? देखिए, बीजेपी हमेशा बड़ा बोलापन करती है। आने वाले समय में पिछड़ा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पिछड़ा ज्यादा रहा है, तो कैसे आप मजबूत करेंगे? देखिए, इन लोगों ने 2019 के चुनाव में झूठ का पुलिंदा बांधकर इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा बांध दिया, लोग बाकाव में आ गए। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में सभी लोग समझ चुके हैं, नौजवान समझ चुका है, किसान समझ चुका है। आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब इसका देंगे। वो वही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे नहीं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ से हटे। ओ पी राजभर की खुद की हैसियत नहीं है कि वो अपने सिंबल में चुनाव लड़के दिखा दें। वो अपनी एक सीट चुनाव नहीं जीत सकते। केले के जो छिलके समान है, भाजपा जो है केला खाएगी और छिलका फेंक देगी, उस समान वो है। आने वाले भविष्य में उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। राजनीति में तो अवसरवाद चरम पे है और हर आदमी जो है पूर्वानुमान लगा लेता है कि उसको कहाँ लाभ मिलेगा, वहीं पर स्विच करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके पहले वो कहते थे कि मैं राजभर के बेटे को विधायक बनाऊंगा, राजभर के बेटे को एमपी बनाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा। लेकिन वो आज अपने एमपी एमएलए बनने का सपना देख रहे हैं, बेटा पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे नेता के लिए हमारा राजभर समाज एक कदम नहीं अब चलेगा। वो समझ चुका है इनकी रणनीति को कि हम राजभर समाज को एकत्रित करके और बेचने का काम करते हैं। ऐसे आपको लगता है कि ऐसे नेता सिर्फ अपने समाज के